नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरवी न्यूज में। मैं पायल शुक्ला। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में यह एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है। सशक्तिकरण अर्थात किसी भी व्यक्ति को उनकी योग्यता के आधार पर उनके जीवन से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने का पूर्ण अधिकार हो। महिला को सशक्त करने के कई क्षेत्र है। ऐसा करने के लिए सरकार और व्यक्तियों को एक साथ आकर काम करना होगा और कोशिश करनी होगी कि महिलाओं को हर क्षेत्र में एक समान अवसर दिया जाए। महिला सशक्तिकरण का एक उत्तम उदाहरण देखने मिल रहा है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। मुंबई के दूसरे लाइफलाइन कही जाने वाली बेस्ट बस को अब एक महिला ड्राइवर चलाएगी। बहुत ही जल्द मुलुंड के रहने वाली लक्ष्मी जाधव, जिनकी उम्र 41 वर्ष है, वह बेस्ट के बेड़े में शामिल बसों को चलाने वाली पहली महिला बस ड्राइवर बन जाएगी। बता दें कि साल 1926 में बेस्ट की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक बीते 96 वर्षों में बेस्ट के पास कोई भी महिला बस ड्राइवर नहीं थी। जाधव को मातेश्वरी अर्बन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अर्थात MUTSP ने नौकरी पर रखा है, जिनके पास तकरीबन 400 बसें हैं जो बेस्ट के अंतर्गत मुंबई शहर में बस चलाते हैं। बेस्ट के जनरल मैनेजर लोकेश चंद्रा के मुताबिक महिला को बेस्ट बस ड्राइवर के तौर पर नियुक्त करना यह एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 3 महिलाओं को बतौर ड्राइवर नियुक्त किया गया। हालांकि बस को चलाने का पहला मौका लक्ष्मी जाधव को मिल रहा है। MUTSP के ऋषि टंक ने कहा कि उनके पास कुल 90 महिला बस कंडक्टर है जो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही हैं। सर्वप्रथम MUTSP के लोकेश चंद्रा ने महिला बस ड्राइवर की नियुक्ति का सुझाव दिया। वह आपसी सहमति के बाद ही महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक उत्तम कदम उठाया गया है। ऋषि टंक ने बताया है कि जिन महिला बस ड्राइवर को नियुक्त किया गया है उन्हें उच्च ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। इस ट्रेनिंग को लक्ष्मी जाधव ने लगभग पूरा कर लिया और जल्द ही वह ड्राइवर के तौर पर अपना कार्य भी प्रारंभ कर देगी। बता दें कि 2016 में लक्ष्मी यह पहली ऑटो ड्राइवर बनी थी और बचपन से ही इनका पेशा ड्राइविंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा था, जिसके बाद इन्होंने कई तरह के ट्रेवल एजेंसी में काम किया और वहाँ पे उन्होंने BMW और मर्सिडीज जैसे गाड़ियों को चलाया। फिलहाल लक्ष्मी जाधव ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके इस पेशे पर उनके परिवार और पति ने खुले दिल से उनका सपोर्ट किया। और फिलहाल महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को किस तरह के कार्य करने चाहिए, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे DRV टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।